नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वेब समाचार। आइए अब रुक करते हैं झारखंड की 10 बड़ी खबरों की ओर। पूर्व सीएम मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी की पत्नी हाईकोर्ट पहुंची, सीबीआई से जांच की मांग। यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी की पत्नी ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आरोपी सुनील तिवारी की पत्नी ललिता तिवारी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर पति पर लगे आरोप की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं अवैध बालू खनन मामले में आय से अधिक संपत्ति मामले में बिहार और झारखंड में आईपीएस राकेश दुबे के ठिकाने पर छापेमारी। अवैध बालू खनन में आरा के तत्कालीन एसपी राकेश दुबे के 4 ठिकानों पर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने छापामारी की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच की जा रही है। पटना के 2 ठिकानों के साथ ही साथ झारखंड में 2 जगहों पर तलाशी ली जा रही है। राकेश दुबे अवैध बालू खनन में संलिप्तता के आरोप में निलंबित हैं। अब तक की जांच में 3 करोड़ से ऊपर आय से अधिक संपत्ति का पता चला है। वहीं चैंबर चुनाव में एक उम्मीदवार ने नाम लिया वापस, एक का पर्चा रद्द 35 मैदान में। चैंबर चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। गुरुवार को नाम वापसी की अंतिम तिथि थी। एक उम्मीदवार राकेश कुमार चौधरी ने नाम वापस ले लिया। वहीं संकेत कुमार गडोरिया का पर्चा डीन नंबर उपलब्ध नहीं होने के कारण रद्द कर दिया गया। बता दें कि 2021-2022 के कार्यकारिणी समिति के लिए कुल 37 नामांकन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 35 उम्मीदवार अब सीधे मैदान में होंगे। वहीं झारखंड में राजद चलाएगा तेजस्वी आपके द्वार कार्यक्रम। झारखंड में राजद तेजस्वी आपके द्वार कार्यक्रम चलाएगा। गुरुवार को राजद प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने ये जानकारी दी। अभय कुमार सिंह ने कहा कि राजद को संगठन में नए धार देने के लिए प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को तेजस्वी यादव 2 दिवसीय दौरे पर रांची आएंगे और यहाँ प्रवास करेंगे। राजद प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि तेजस्वी यादव 18 सितंबर को रांची आएंगे। उनके आगमन पर झारखंड रीति रिवाज ढोल नगाड़ा ताशा बाजा और छऊ नृत्य से उनका स्वागत किया जाएगा। वहीं बिहार से यूपी और झारखंड के लिए शुरू हुई बस परिचालन, पटना से वाराणसी, जमशेदपुर और रांची जाना हुआ आसान। पटना से वाराणसी, रांची, जमशेदपुर समेत उत्तर प्रदेश और झारखंड के अन्य शहरों के लिए नई बस सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए 100 नए बसों का परिचालन निजी तौर पर भागीदारी के तहत शुरू होगा। इसके अलावा राज्य के अंदर पटना से विभिन्न जिला मुख्यालयों के लिए भी नई बसें चलाई जाएंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इसकी तैयारी कर ली है। जल्द इसके लिए टेंडर भी जारी किया जाएगा। वहीं एक और धनबाद जज मौत मामले में सीबीआई की अब तक हुई कार्रवाई से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं, जोनल डायरेक्टर को किया तलब। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में अब तक हुई जांच और कार्रवाई से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है। अदालत ने 23 सितंबर को सीबीआई के जोनल डायरेक्टर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सीबीआई हर हफ्ते प्रगति रिपोर्ट दे रही है, लेकिन उसमें कुछ नया नहीं मिल रहा। हर बार स्टीरियोटाइप रिपोर्ट दायर कर रही है, यह संतोषजनक नहीं है। जुडिशियल ऑफिसर की हत्या हुई है, हमें रिजल्ट चाहिए। वहीं पत्रकार बैजनाथ महतो पर अपराधी द्वारा हमला हुए आज 6 दिन हो चुके, मगर रांची पुलिस अब तक अपराधी तक पहुंचने में नाकाम साबित हुई है। पत्रकार बैजनाथ महतो पर एक रात जानलेवा हमला होता है, जिसके बाद पुलिस की पीसीआर द्वारा उसे रिम्स में एडमिट किया जाता है, जिसके बाद हमले के मामले पर पत्रकारों द्वारा घोर विरोध भी किया जाता है, मगर 6 दिन बाद भी स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है, क्योंकि अपराधी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, जिसके विरोध में पत्रकारों ने प्रेस क्लब में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं झारखंड में 5 साल में हाथियों की मौत का हाईकोर्ट ने ब्यौरा मांगा। झारखंड में हाथियों की मौत और जंगलों से वन्य जीवों के गायब होने पर रांची हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने सरकार से हाथियों और दूसरे वन्य जीवों को संरक्षित रखने और जंगलों में वापस ले जाने की कार्य योजना मांगी है।
चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार से यह पूछा है कि पिछले 5 सालों में कितने हाथियों की मौत हुई है। वहीं आज रांची में ये रहा 24 कैरेट सोने का रेट, आइए जानते हैं भाव। रांची में 10 ग्राम सोने का भाव 48,010 रुपए रहा। कल की तुलना में आज 24 कैरेट सोना 370 रुपए गिरा। वहीं चांदी का भाव 64,790 रुपए रहा। सराफा बाजार से सोने की चीजें खरीदते समय लोगों को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मसलन सोने की शुद्धता को लेकर अक्सर लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और कई मामलों में तो ज्वेलर्स भी लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। इसीलिए सोना खरीदते समय हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदे ताकि आप धोखाधड़ी से बच सके। वहीं प्रखंड स्तर पर आज नागरिकों को मिलेगी कानूनी सेवाएं। जिले में कर्मा पूजा के अवसर पर शुक्रवार को डालसा के बैनर तले आम नागरिकों को विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर एक साथ विशेष अभियान चलाया गया है। यह अभियान झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के निर्देश पर चलाया जा रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डालसा ने कुल 20 टीमों का गठन किया है, जिसमें डालसा सचिव सहित 6 न्यायिका पदाधिकारी एवं 50 से ज्यादा पीएलपी एवं पैनल अधिवक्ता को शामिल किया गया है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है, यह जानकारी डालसा सचिव कमला कुमारी ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में दी है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए वेब समाचार को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ने के लिए वेब समाचार के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।